हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका की कुकिंग आइडिया में आप सभी का मोस्ट वेलकम। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हमेशा ठीक रहेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए बनाते हैं बढ़िया सी टेस्टी रेसिपी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज बेटी की डिमांड थी लंच में पाव सैंडविच ले जाना। मैंने कहा चलो आज वही बना कर देती हूँ जो बेटे का मन है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले ड्राई चटनी रेडी करेंगे। उसके लिए एक कप बेसन ऐड करेंगे बड़े से बोल में। तो बेसन में पानी ऐड करेंगे और बैटर रेडी कर लेंगे। तो जैसे पकोड़े का बैटर रेडी करते हैं बिल्कुल वैसे ही बैटर रेडी करेंगे। तो बैटर को अच्छे से फेंट लेंगे। तो बैटर को अच्छे से फेंट लिया, चलिए इसे फ्राई करते हैं। तो पैन में तेल डालकर गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। बैटर को हाथों से ऐसे ऐड करेंगे। तो बैटर का हमें कोई बूंदी या पकौड़े नहीं बनाना है, इसकी तो हमें चटनी बनानी है, इसलिए हम ऐसे ही इसे ऐड कर रहे हैं। अब इसे गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारी बेसन की प्लेन पकौड़ी बनके रेडी होगी। अब इसे हम निकाल लेंगे। अब गैस की फ्लेम में दूसरा पैन रखेंगे। इसमें थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे। तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। फिर इसमें 10 से 15 लहसुन ऐड करेंगे। लहसुन को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें 5-6 सूखी लाल मिर्च ऐड करेंगे और थोड़ा सा कटा हुआ सूखा नारियल ऐड करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। तो जो मैंने ये साबुत लाल मिर्च ऐड की है, इसकी सीड्स मैंने निकाल दिए थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तीखी है। तो 1 मिनट हो गया, अच्छे से रोस्ट हो गया। अब गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। अब बड़ा मिक्सर ग्राइंडर लेंगे और इसमें जो हमने प्लेन पकौड़े बनाए थे इसे ऐड करेंगे। अब इसमें ये रोस्ट किया हुआ लहसुन और नारियल ऐड कर देंगे। अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करेंगे और 1 टीस्पून देगी लाल मिर्च ऐड करेंगे। अब इसे लिड से कवर करके फाइन पाउडर रेडी कर लेंगे। तो ये हमारी ड्राई चटनी बनके रेडी होगी। अब इसे एक बोल में निकाल लेंगे। तो ड्राई चटनी हमारी रेडी है, चलिए अब पाव रेडी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पाव लिया, इसे पीस से कट कर लेंगे। अब पैन में थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे और थोड़ा सा पाव भाजी मसाला ऐड करेंगे, धनिया की पत्ती ऐड करेंगे, इसे अच्छे से फैला देंगे। फिर इसमें पाव को सेक लेंगे। अब मसालों में पाव को उलट पलट के अच्छे से सेक लेंगे। तो पाव हमारे अच्छे से सेक गए हैं, अब इन्हें निकाल लेंगे। अब पाव के ऊपर ग्रीन चटनी लगाएंगे अच्छे से। अब तीनों पाव के ऊपर उबले हुए आलू की स्लाइस रखेंगे। अब प्याज की स्लाइस रखेंगे। स्लाइस में कट किए हुए टमाटर रखेंगे। अब जो हमने ड्राई मसाला रेडी किया था उसे अच्छे से ऐड करेंगे पाव के ऊपर। अब इसके ऊपर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे और चॉप की हुई धनिया की पत्ती ऐड करेंगे। फिर इसे दूसरे पाव से अच्छे से कवर कर लेंगे। पाव को कवर करने के बाद फिर से ड्राई मसाला ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये पाव सैंडविच खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और स्पाइसी होता है। जब आप इसे खाएंगे ना, बस खाने के बाद यही बोलेंगे मज़ा आ गया। तो बस इसे अब जल्दी से लंच बॉक्स में पैक करते हैं। आज मेरी पाव सैंडविच और ड्राई चटनी की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना और मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना। तो ये मेरे बेटे की डिमांड पूरी हुई और लंच बॉक्स बन के रेडी हो गया। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ।